हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली द वीडियो इज आउट। आप लोगों ने इतना कहा कि भैया एक वीडियो तो बना दो जिसमें आप दिखाओ अपने नोट्स बनाए कैसे। तो दिस इज गोना बी द वीडियो जिसमें मैं अपने बायोलॉजी के नोट्स दिखाऊंगा ऑफ 11th 12th। और एक तो डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूँ कि हर किसी की नोट मेकिंग टेक्निक्स और पूरी स्ट्रेटजी अलग होती है, हर किसी की अलग होनी चाहिए, क्योंकि नोट्स आर नॉट मेंट फॉर द होल वर्ल्ड। नोट्स सिर्फ आपके नोट्स आपके लिए हैं, आपके हिसाब से होनी चाहिए। नोट्स में एक दो पैरामीटर का जरूर ध्यान रखें कि आपको नोट्स में वो चीज़ें लिखनी हैं जो एग्जाम में वेटेज ज़्यादा रखेंगी और आपके लिए एक साथ याद ना हो, आपको थोड़ा रिवाइज करना हो। जो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं और एग्जाम में वेटेज भी नहीं रखती, उनको नोट्स में डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने डाली थी बट बिलीव मी कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो चीज़ें बहुत ईजी होती हैं बट वेटेज भी ज़्यादा होता है, वो भी इतना फ़ायदा नहीं होता नोट्स में डालने का, कॉज वो इतनी टाइम रिवाइज होती रहती है कि आप डालो नहीं डालो वो आपको याद हो ही जाता है खुद ही। इसलिए नोट्स का एक बहुत ही शॉर्ट नैरो स्पेक्ट्रम होता है कि जो चीज़ें थोड़ा मुश्किल होती हैं बट वो काफ़ी वेटेज रखती हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस तो आपको पता ही है करनी होगी ऑब्वियसली, नहीं तो नोट्स का कोई फायदा नहीं है। अच्छे नोट्स जरूर बनाओ, कलरफुल पेन यूज करो, कॉज नोट्स का क्या होता है, अगर आपके नोट्स अच्छे दिखेंगे तो ही आप उनको दोबारा रिवाइज करने का आपका मन करेगा। और बिलीव मी, मैंने जिन चैप्टर्स के नोट्स ज्यादा अच्छे नहीं बनाए थे उनको मैं ज्यादा रिवाइज भी नहीं करता था। सो ये होता है, थोड़े अगर एस्थेटिकली प्लीजिंग होंगे नोट्स तो वो आपको दोबारा पढ़ने का मन करता जाएगा वो। और क्योंकि इन यू नो नीट में बस भाई एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं हो बट एक्यूरेट होना है। सो बाकी मैंने आपको बहुत टाइम वेस्ट कर दिया एंड विदाउट further ado, let's go on to the main video. So starting with biology, ये है मेरी zoology के 12th 11th की first chapter यानी tissues वाला हमारा हुआ था आकाश में। So उसके notes आप देख सकते हैं, there are some of the basic notes और कुछ नहीं, मैं जो भी होता था उसका example के आगे उसका एक छोटा सा diagram बना लेता था, it was helpful। और इसी तरह से then biomolecules का था, फिर मैं थोड़ा अपने नोट्स पे मैंने कंसंट्रेट करने लगा और आई स्टार्टेड मेकिंग अ गुड डायग्राम। बाद में ये चीज़ मेरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। वन फैक्टर इज़ ऑब्वियसली कि मेरी ड्राइंग अच्छी थी इसलिए मुझे डायग्राम बनाने में अच्छा भी लगता था और एक पिक्टोरियल मेमोरी है। बट आई वुड सजेस्ट आप इतना टाइम डायग्राम्स पे ना वेस्ट करें एंड इंस्टेड आप ध्यान दें या तो उस चीज़ को अच्छे से पढ़ने, और इफ़ यू वांट आई वुड सजेस्ट कि आप उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें गूगल पे कोई पिक लेके और बाद में उसके प्रिंट आउट करवा लें। लाइक आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी डायग्राम्स इवन फ्रॉम हिस्टोलॉजी और हर तरह का, क्योंकि मुझे डायग्राम मेरी पिक्टोरियल मेमोरी थी और ड्राइंग अच्छी थी ऑब्वियसली। बट आप इतना टाइम ऑब्वियसली वेस्ट मत करना, आप क्या करना मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, लाइक ये सारे विटामिंस का उनकी डेफिशिएंसी एंड ऑल। देन एनिमल किंगडम मेरे नोट्स काफ़ी अच्छे थे, अगेन मेरा वही रहता था हर एग्जाम्पल का डायग्राम बनाता था, टीनोफोरा प्लेटीहेलमिंथिस उनके इवन लार्वा का डायग्राम बनाता था। ऑल दो आकाश ने बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया था, इतनी नीड नहीं है, बट आप अपने भी इवन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो भी आप पे हैं सब्जेक्ट्स उनका टॉपिक्स उन पे आप ज़रूर देखना, एग्जाम्पल्स की पिक्स ने ये पूरा लाइफ साइकिल में बनाता था और मुझे काफ़ी हेल्प भी किया इसने। और यही है क्योंकि एक होते हैं नोट्स आपने क्लियरली सिर्फ लिख दिया, दैट इज़ वन थिंग, बट आपके दिमाग में वो इम्प्रिंट रहना चाहिए। और एक मैंने सबसे ज़्यादा जो अपने ऑलमोस्ट हर फ्रेंड को सजेस्ट किया है कि भाई नोट्स में टाइम दो, क्योंकि नोट्स में टाइम देने से क्या होता है, वंस यू हैव ब्यूटीफुल नोट्स यू आर गोना रिवाइज इट अ लॉट। आपके बस लिखे हुए हैं नोट्स कि हाँ बस कर दिया तो आप उसको ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर, आपको जाके अच्छी चीज़ ही देखने का मन करेगा। लाइक ये पूरा जो हार्ट वाला था उसमें मैंने ये ग्राफ्स बनाए थे जो कि हमारे MBBS फर्स्ट ईयर में काम आए थे, ऑल दो कोई नीड नहीं है बट इसको देखने से क्या होता था, मुझे पूरा चैप्टर पूरा हार्ट पंपिंग समझ आता था। सिमिलरली एक्सक्रीशन के नोट्स थे, हिस्टोलॉजी वगैरह सब कंबाइंड होती थी, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम अगेन सेइंग यू, बस हाईलाइट अपने नोट्स में अच्छे से करना जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि हाईलाइट अगर आप करोगे, क्योंकि आप इन दी एंड जब आप पे अब जैसे अब है सिर्फ एक महीना बचा हुआ है तो आप सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस देखोगे। और अपने नोट्स में मेरी तरह ये ज़रूर करना, मैं बीच में पेजेस खाली छोड़ देता था और जैसे इधर देखोगे आप स्टिकी नोट्स काफ़ी लगाता था, क्योंकि नॉलेज कभी ये नहीं होता आपने एक बार लिख लिया तो वो बहुत हो गया, आपको हर दिन हर बार कुछ नया पता चलता रहेगा, तो आप स्टिकी नोट्स लगाते रहें या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते रहें उसके लिए। सिमिलरली दिस इज़ माई बॉटनी की नोटबुक ऑफ 11th क्लास, अगेन स्टिकी नोट्स कितने सारे हैं इसमें। बाकी मैं कलर पेन हमेशा कहता हूँ सबसे कि कलर पेन यूज़ करो, ऑल दो नोट बनाना इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बट इट इज़ गॉन हेल्प यू अलॉट, कॉज भाई बुक में इट्स हाँ डायग्राम वगैरह होते हैं बट स्टिल बुक एक अलग चीज़ होती है जो कि उस ऑथर ने लिखी है, इट्स नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर नॉलेज, इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और लाइक ये पूरा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, अगेन सी मैं स्पेस छोड़ता हूँ हमेशा,
सर्च स्पेसेस, ये बाद में माना खाली पेजेस रहेंगे बट बाद में हेल्प ज़रूर आते हैं। और छोटे छोटे डायग्राम जो भी एग्जांपल हैं, आप डायग्राम मत बनाना, आप उनको गूगल पे देख लेना कैसे दिखते हैं, स्क्रीनशॉट लो और किसी भी अच्छे साइबर कैफे या प्रिंटआउट कराने वाली जगह पे जाएं, उनका प्रिंटआउट कराएं। हर क्योंकि पिक्टोरियल मेमोरी, जैसे सी दिस इज ब्रायोफाइट्स वगैरह LG का पूरा था, मैं हर LG की मैंने लाइफस्टाइल बनाई, सो आई नो कि ये वाला LG इज गोना बी डिप्लोंटिक लाइफस्टाइल, हेप्लोंटिक क्या, लाइक दिस इज रोडोफाइसी पॉलिसिफोनिया का। और मुझे बाद में ये पूरा अब एक एक स्टेज अच्छे से याद होगी इंस्टेड ऑफ अगर मैं सिर्फ लिखूंगा। सो वही है, यू हैव इंटरनेट एड, उसका ज़रूर 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 यूज़ करो, क्योंकि भाई आपके पास इतनी अच्छी है ताकत तो क्यों यूज़ नहीं कर रहे, खाली रील देखने के लिए, आपके ब्लॉग देखने के लिए नहीं है इंटरनेट। इसी तरह मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर जिसका मैंने सबसे ज़्यादा कहा है, दिस इज़ इस तरह से आई ऑलवेज यूज टू ड्रॉ द थिंग जो है, अगर कुछ लिखा है कि या लेट्स से हेलियंथस ट्यूबरोसिस है तो आई नो कि हेलियंथस ट्यूबरोसिस ऐसा दिखेगा, इट इज़ गोना बी ऊपर से सनफ्लावर जैसा, नीचे से आलू जैसा, बट इट्स टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू ड्रॉ बेसिक डायग्राम्स या फिर आप उनका पिक्चर लें। बाकी नॉलेज को नोट्स का ये नहीं होता कि आपको बुक छापनी है, इट्स नॉट दैट नोट्स लेंदी ही होने चाहिए, या फिर नोट्स शुड बी अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ अगर मुझे बनाना है लाइक कलर्ड कैलिक्स किसका है, गुलमोहर कैसा दिखता है, 9+1 वाला अरेंजमेंट कैसा है, दिस इज कैलोट्रोपिस, आई नो ऑफ, मुझे पता है कैलोट्रोपिस कैसा दिखेगा, तो इसमें अगर कहीं भी आएगा कि इसमें गाइनेंड्रस आपका पूरा ये होगा स्टेमिन एंड ऑल, तो आई नो। बाकी ये यू नो सीड वगैरह के फैमिलीज़ वाले में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका, अब तो काफ़ी कुछ फैमिली एक्स्ट्रा भी ऐड हो गई हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। अगेन एनाटॉमी वाला चैप्टर, हाँ देखिए मैंने इसकी हेडिंग भी नहीं लिखी है, उसमें भी मेरा सेम पैटर्न रहता था नोट्स में कि अगेन कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया। बाकी ये पूरा सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ये बहुत एक्स्ट्रा है, इतना हेल्प काम नहीं आएगा बिलीव मी, बट ये होता है, इंटरेस्ट आता है, एक बार अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए किसी चैप्टर में तो उसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सो फर्स्ट थिंग द फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, खासकर भाई इन चैप्टर्स में तो क्या है मॉर्फोलॉजी जैसे ये है, नाउ कमिंग टू देम, ये जैसे ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर था, अब तो खैर हट गया है बट स्टिल नोट्स मेरे पास हैं, इसमें ज़्यादा डायग्राम नहीं थे, तो ये नहीं है कि आपको हर चैप्टर में एक ही तरह से डायग्राम कह रहा हूँ तो बस डायग्राम ही बनाते जाओ, इट्स नॉट लाइक दैट। हर चैप्टर की अपनी एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट होता है, एक अलग बेसिस होता है, आपको उसी बेसिस पे बनाना होगा, कोई डायग्राम ज़्यादा मांगेगा चैप्टर तो कोई थ्योरी ज़्यादा मांगेगा। देन बाय 12th मैंने अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की थी, बिकॉज 12th में इतने ज़्यादा डायग्राम ओरिएंटेड चैप्टर्स नहीं थे, तो मैंने सिंपल लिखा उन पे, और अगेन ऑल्दो मेरे काफ़ी बेसिक नोट्स हैं, बस रफ नोट्स टाइप ही हैं, बट स्टिल इनमें क्या था, मैं पेन ज़रूर यूज़ करता था ऑफ डिफरेंट कलर्स, बिकॉज उससे ही एक इमेजिनेटिव पावर, लाइक अगेन ये ऑल्दो मच मोर देन NCERT है, और आप पूछें कि भैया आपने, आप कहते रहते हैं NCERT करो बट आपने ज़्यादा करा, भाई कर लो, इफ़ यू वॉन्ट एन एडवाइस, इफ़ यू नीड एन एडवाइस, तो माई एडवाइस इज़ कि भाई NCERT के ज़्यादा बाहर मत जाओ, बट अगर आपको ये लगे कि नहीं RN ने किया है मुझे भी करना है, देखो इनका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता इट अगेन कि, बट ये है नॉलेज के लिए अच्छा होता है और इंटरेस्ट आता है, द बिगेस्ट इसका जो हेल्प रहता है कि इंटरेस्ट आता है, ये नहीं होगा तो आपको उस चीज़ को सिर्फ रटना रह जाता है, बट आप थोड़ा एक्स्ट्रा करोगे, डायग्राम्स वगैरह देखोगे तो आपको इंटरेस्ट आने ज़रूर लगेगा उस चीज़ में, दैट इज़ गोना हेल्प यू अलॉट। ऐसे ही मेरे 12th के जुअलॉजी में भी, लाइक ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पार्ट, उससे पहले अब थोड़े मेरे पहले से इजी हो गए डायग्राम, बिकॉज थोड़ा मैं बुक ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया था, प्लस वो भी नहीं, ये लगा कि हाँ अपना मैंने टाइम उसके बाद बाकी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा डिविएट कर दिया कि बुक पे ध्यान देना है, क्वेश्चन आंसर्स पे, बट स्टिल इतने बुरे भी मैं नहीं कहूँगा डायग्राम्स हैं। और ये इस टाइप से हेडिंग वगैरह करना वो चीज़ें, और ये जितना भी आपको दिख रहा है ना यहाँ रह गया, एक्चुअल में पेज खाली था बट मैंने बाद में इसमें चीज़ें ऐड करी हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा आई एम श्योर। 12th में मेरी स्ट्रेटजी कैसे चेंज हुई, जैसे आकाश के हमारे माइंड मैप्स होते थे, आप किसी भी और जगह से भी देख सकते हो, तो मैंने लाइक एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, मैं माइंड मैप्स को ही देखता था, NCERT ओरिएंटेड ही हैं ये फुल ऑन, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज होती थी, लेट्स से यहाँ वैक्सीन्स अगर NCERT ने कम बताई हैं, मैंने और जो होती थी मैं लिख लेता था, सो आई नो कि ये लिखा हुआ पार्ट इज़ एक्स्ट्रा, वो अगर टेस्ट से पहले आकाश के आई टेस्ट से पहले मैं कर लेता था, बट बिफोर नीट मैंने कुछ नहीं किया था। अगेन कलर कोडिंग मेरी बहुत रहती थी कि लाइक दिस हाईलाइट इज़ फॉर इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ फॉर अ बिट लेस इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ फॉर मोर इम्पॉर्टेंट, ये मेरा हमेशा से रहा है, अगेन हाईलाइट
तो जैसे ये स्टिकी नोट्स पे एक्स्ट्रा लगा लिया, कॉज स्टिकी नोट्स भाई बहुत यूज़ करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है स्टिकी नोट्स का। आप देख सकते हो यहाँ पे भी इवन ये डायग्राम बना है, इसमें कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये दिस इज़ द नोट्स वाला पार्ट, बाकी एनसीईआरटी तो आपको पता ही है आपको कितना रंगना है उस अकेली बुक को। और यहाँ पे भी छोटे छोटे मैंने बनाता रहता था कुछ ना कुछ एक्रोनिम्स वगैरह की कुछ तो याद हो। ये पूरा कलर रखा है, इवन ये आधे कलर मैंने ही इसमें भरे हैं, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसमें से पूरा आपको एक बार कलर कोड होना किसी चीज़ का बाद में हेल्प आएगा, करते टाइम आपको लगेगा कि क्या सजा रहे हैं हम फर्स्ट बट। और आकाश के ये जैसे ये हैं तो सजाना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा लगाओ भाई, अब तो इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ती जा रही है। ये चैप्टर हट गया है बट स्टिल, सो दिस इज़ अ रफ आइडिया कि कैसे आप अपने उसी नोट को उसी इवन बुक्स पे भी नोट्स बना सकते हैं। ये मैंने 12th में आके करा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो इन दिस होल वीडियो, एक दो पॉइंट भी सीखने को मिला हो देन इट्स सक्सेसफुल। बाकी ये है कि प्लीज़ भाई डिमोटिवेट मत होना कि ये कैसे नोट्स थे हम नहीं कर पाएंगे। आई नो मेरी थोड़ी आर्ट वगैरह अच्छी थी, दैट्स वाई आई वॉज एबल टू मेक सच नोट्स। बट आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, नोट्स अपने हिसाब से बनाने हैं आपको। और वही आई टोल्ड यू कि दो पैरामीटर्स कि आपको याद करने में कितना मुश्किल है, उसका वेटेज कितना है, याद करने में दोनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। वो जितना हाई होगा दोनों पॉइंट उतना ही वो चीज़ आपके नोट में आना इम्पॉर्टेंट है। और फालतू की चीज़ नहीं लिखनी है नोट्स को, नोट्स बनाना है नॉट शॉर्ट बुक। कोई ये नहीं कि आपको समरी लिखनी है नोट्स में, कोई ये मत सोचो कि मुझे ऐसे बनाने हैं कि सामने वाले को भी समझ आए। अगर वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आपके नोट्स में होनी चाहिए वो चीज़। और भाई कितने भी अच्छे नोट हो अगर आप उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके वो नोट्स कैसे हैं, रिवाइज ज़रूर करते रहना है आपको अपने नोट्स को। बाकी और भी पॉइंट्स जो कुछ होंगे मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वाली वॉज अबाउट बायोलॉजी, नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स की। एंड इफ़ यू गाइस से तो मैं शॉर्ट नोट्स की भी एक वीडियो डालूंगा। एंड आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो दिमाग में, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।